पठानकोट का एक ऐतिहासिक मंदिर यहाँ पुराने से पुराना बुखार मात्र मिट्टी के बर्तन की ठीकरी पहनने से चुटकियों में दूर हो जाता है, जिसका आज हमारी जनसेतु न्यूज चैनल की टीम ने मंदिर में पहुंचकर इतिहास जाना। बता दें कि यह जगह पठानकोट से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है। बताया जाता है कि यहाँ वर्षों पहले बाबा श्री चंद जी ने तप किया था, जिसके चलते अब इस जगह का नाम बाबा श्री चंद नगर पंचायत से भी जाना जाता है। श्रद्धालु यहाँ पर दूर दूर से आते हैं, वह अपने मन की मुरादें पूरी करते हैं। यहाँ के सेवादार बाबा राकेश दास नंदा ने इस ऐतिहासिक मंदिर के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस तरह यहाँ बाबा श्री चंद जी ने तप किया व यहाँ किस तरह लोगों की आस्था बनी हुई है। बाबा जी ने यह भी बताया कि अगर किसी का बुखार किसी दवाई आदि से ठीक नहीं होता, चाहे वह कितना भी पुराना हो, यहाँ से मिट्टी के बर्तन की ठीकरी डालने से ठीक हो जाता है। उधर श्रद्धालुओं ने भी बताया कि वह काफी सालों से यहाँ आते हैं और मांगी गई मन्नतें पूरी करते हैं। इस मंदिर का इतिहास यह है कि यह बाबा श्री चंद महाराज की तप स्थली है और बाबा श्री चंद महाराज जो इस इलाके आए थे उदों इतने आके पहला पड़ाव ने इतने आसन किया और इतने पता लग्या, संतां भी दस्या और जो पिंड के बजुर्ग ही उन्होंने भी दस्या कि पुरानी जितना कोई संत वार्ता करते हैं उन्होंने दस्या कि बाबा श्री चंद जी इतने बैठे थे। कुछ संगतां ने कहा कि उस टाइम पर जगह का प्रभाव बड़ा सिल्ला सीगा, मतलब कि जगह च सेम ज़्यादा सी, तो बाबा जी ने उस सह सुभा कह लगे बाबा जी ये जगह च सेम बहुत रही है, ये जगह तुहाडे बैठने के काबल नहीं, खोभा बड़ा रहिंदा वा। तो बाबा जी सह सुभा जितना कहते साधु बोले सह सुभा, उन्होंने सह सुभा वचन करता कि भई इतों पिंड का नाँ रहेगा खोभा, खोभा सुक जाएगा। उस तो बाद इतने खोभा नाँ की कोई चीज़ नहीं रही। ये पुरातन बोर्ड जी बहर बाबा जी की, ये बाबा श्री चंद महाराज के टाइम की आ, और बाबा श्री चंद महाराज ने इतने कुछ समा तप करके फिर इतों बाड़ साहब चले गए और इतने संगत जो आ नतमस्तक होंदिया वा, मस्या का भारी इतने मेला लगता वा और साल के महापुरश बाबा रविंद्र सिंह रोमी जी नाँ की जून के पहले हफ्ते जिहड़ा ऐतवार हुंदा वा उदों उन्हां दी महापुरशां दी बरसी मनाई ते संगतां दा जोड़ मेला हुंदा और खूब गुरु दे लंगर वरतदे आ, रागी ढाडी धर्म दा प्रचार हुंदा इत्थे। और उस तों बाद बाबा श्री चंद महाराज दा जिहड़ा जन्म दिहाड़ा वा उहनूं मुख रख के ते अक्तूबर दे पहले ऐतवार वाले दिन हर साल संगतां जिहड़ियां रल मिल के इस पर्व नूं मनाउंदियां बाबा श्री चंद दे जन्म उत्सव नूं। और सब तो वड्डी विशेष गल है कि इस भंडारे वास्ते या जग वास्ते या इस मंदिर नूं बनाउण वास्ते कदी भी किसी को डिमांड नहीं की जाती कि कोई आके इत्थे आ डिमांड रखे, ना साडे वल्लों ते ना साडी संगत वल्लों। और बाबा जी अपन पर बख्शिश है कि संगतां अपनी प्रेरणा दे नाल ही जो जो संगतां दी इच्छा पूरी हुंदियां और संगतां दे सहयोग दे नाल ही ये सारी बिल्डिंग जिहड़ी है ये बनी आ। और जो तुसीं बाहर वेख्या वा जो भी अज तक 2006 तो आपां लगे सीगे ते साडे हत्थीं संगतां दे सारे सहयोग नाल काम होया वा। इक बोर्ड दा कोई हैगा, इह बोर्ड बाबा श्री चंद महाराज दे टाइम दा जी, ये बोर्ड जिहड़ा बाहर खड़िया, ये बोर्ड जिहड़ा फिर ये जिहड़ा इत्थों दा जिमीदार सीगा जिहदी जमीन उहदे कोल अग लग गई सी अचानक ते वह बोर्ड सड़ गया सीगा। उह सड़न तो बाद फिर वह आदमी 3 दिन बाद खत्म हो गया सीगा कि वह कहिंदा सीगा वी मैनू इतना सेक लगता वा। उस तो बाद फिर बाबा जी आस्था होर वध गई, ये फिर साढ़े संत जिहड़ा बाबा रविंदर सिंह सीगे दिल्ली तो उन्होंने फिर ये जगह नूं उन्होंने कहा साढ़े को सेवा ले लो तो सानू सेवा दे दिओ। फिर इत्थे ये जगह जी उन्होंने को किसी जिमीदार को ले ली सी उन्होंने, तो ये पैसे दे के उन्हें जगह खरीद के फिर सानू इत्थे बिठा के कहता तुसीं सेवा करो और इत्थे गुरबाणी दा प्रचार करना, धर्म का प्रचार करना, सनातन का प्रचार करना। इत्थे एक पिता एक सके हम बारक, कोई इत्थे उपरा नहीं कोई पराया नहीं, सारे आपां सारे भाई भाई हाँ। और उन्होंने सानू ये कहा कि बाबा श्री चंद महाराज शिव अवतार ने, असीं भी पढ़िया सी। और शिव का मतलब है कि शिव जिहड़ा ना वो देण वाला देवता वा, लैंदा नहीं। और इत्थे जिहड़ियां भी संगतां आउंदियां वा उन्हां नूं इत्थों बख्शिशां प्राप्त हुंदियां वा, ते संगतां अपने मर्जी दे नाल इत्थे सेवा जो करदियां जैसा सिर, किसी कोल ये नहीं भी आपां किसी को बोरी लै के कणक लैण जाइए जां किसी को कोई चंदा लैण जाइए। इत्थों बाबा श्री चंद महाराज हुक्म है कि ये मनाही है इस गल की और बाबा जी की कृपा वा, सानू पता वा
कि इत्थे संगत अपने आप ही सारा मंदिर इदां भव्य मंदिर जो बनया वा ये संगत सहयोग नाल बनया। बाकी धर्म साडा सारिआं दा इक ही आ, ये कुछ समाज के लोग जिहड़े आ उह लोकां दे विच फिरका प्रस्ती की गल नूं फैला के गुरु नानक की गुरबाणी नूं कोई उल्ट पुल्ट दस के करदे, पर बाबा श्री चंद महाराज जिन्हां ने अपने पिता की जो गल आ उहनूं सिरे चाढ़िया और उदासीन मत दे उह मुखी सीगे, उन्हां ने यह उदासी मत दे बड़ा अखाड़ा दे अंडर असीं उन्हां दी निजमां दे नाल चलदे आ और सनातन का प्रचार करते हैं, गुरबाणी का प्रचार करते हैं। गुरु ग्रंथ साहब के इत्थे अखंड पाठ हुंदे आ और गुरबाणी ते साडा विश्वास है। गीता रामायण जो भी साडे धार्मिक ग्रंथ सारे पूजनीय क्या, पर कलयुग दे विच जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कहा गुरु मान्यो ग्रंथ, असीं उहनूं मुख रख के पहलों भी साडे पूर्व जिहड़े सीगे उदासी मत दे उह गुरु ग्रंथ साहब का ही प्रचार करते, गुरबाणी का अज भी आपां उहनां दे चरण कदमां ते चलते हुए उहदा ही प्रचार करते हैं। और ये अटल सच्चाई है कि साडा एक ही पिता वा, एक दे ही बालक एक दी संतान आ, एक ओंकार का ही प्रचार करते हैं और ये बाबा श्री चंद महाराज जी तप स्थली आ। तुसीं अकाल साहब वाहिगुरू जी फतेह जी, असीं इस टाइम बाबा तप स्थान धूना साहब खड़े हाँ जी। असीं इत्थे बहुत टाइम तो आ रहे हैं, बाबा जी का बोढ़ साहब बोढ़ है जी, इत्थे इहदी श्रद्धा लोग बड़ी बड़ी दूर तो आ रही संगत आ रही हैं। और ठीकरी जी तुसीं गल कर रहे हो ठीकरी भी इत्थे, बाबा जी टाइफाइड का बुखार कोई बुखार हुंदा उस वास्ते बाबा जी ठीकरी देंदे ने और ठीक हुंदी संगत, तो बहुत है श्रद्धा, साडी भी श्रद्धा बहुत ज़्यादा जी। सत्त अठ साल तो असीं भी आ रहे इत्थे, बाबा जी बड़ी मेहरबान मेरा जी, बच्चे सब तंदरुस्त सब ठीक ठाक, वाहेगुरू जी वाहेगुरू खालसा वाहेगुरू जी। की कहना चाहते जुड़ी हुई है इस जगह? देखो जी ये बाबा श्री चंद जी का तप स्थान है, जो आए थे बाड़ साहब पहला इत्थे पहुँचे, इतों ही अगों उन्होंने जाके दरबार से पहुँचे तप स्थान तो उत्थे इतों हो के फिर पहुँचे। और इत्थे बहुत लोगों की श्रद्धा आस पास पिंड बहुत जुड़ी हुई है और बड़ी दूरों दूरों बंदे आते हैं और इस जगह के उत्ते हर मन्नत पूरी भी होंगी है। बाकी बाबा नंदा जी की सेवा बड़ी है, उन्हों को बैठो उन्होंने विचार सुनो। गल इत सुनने मिली है कोई ठीकरी का है कोई बुखार? वो बुखार जोड़ा थोड़ा नहीं जाता जी, उस बुखार की बाबा जी ठीकरी देंदे और बुखार वो खत्म हो जाता, मुड़ के बुखार नहीं आता उन्होंने। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ? ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 8-9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ।